Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. विरोधी ताक लगा के बैठे हैं, कहीं कोई एक चूक हो जाए और वो इसका फायदा उठाए, गौतम ने कहा ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्या के सामने खंडेराव आए और वो इस हालत में कि अहिल्या कभी सोच भी नहीं सकती थी। पूरी रात आंसुओं में बीत गई और उस समय अहिल्या को अपने अलावा जिसका ख्याल आया वो थे मल्हार राव होलकर और गौतमा, जिनके इकलौते बेटे हैं खंडेराव। चलिए इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं दोस्तों कि उनका बच्चा बिगड़ जाए। चाहे गौतमा को ही ले लें कि गौतमा ने पैम्पर किया है, खंडेराव को इस तरह से बनाया है, मगर वो भी नहीं चाहेंगे कि उसके बेटे को ऐसी गंदी आदत लगे। सच्चाई मगर यही है कि खंडेराव अल्कोहलिक हो गए हैं और ये बात अभी सिर्फ और सिर्फ अहिल्या को पता है। जब अहिल्या के सामने ये सच्चाई आई तो पहले तो उसके लिए ही ये सच्चाई जज्ब करना बहुत मुश्किल था, मगर जब उसने ये थोड़ा सा समझा तो उसके दिमाग में मल्हार राव होलकर का डायलॉग आया कि उनके सपने क्या हैं, कि खंडेराव को फलता फूलता देखने के लिए। खंडेराव के ऊपर उनकी बहुत सारी जो है आशाएं हैं, अपने बेटे के ऊपर एक ऐसा राजा देखना चाहते हैं उसको कि जैसा कभी कोई ना हो, ना ही आगे हो ना ही पहले कभी हुआ हो, ऐसा कामयाब राजा हो खंडेराव। अहिल्या के सामने वो सपना टूटता हुआ नजर आया मल्हार राव होलकर का। फिर उनको गौतमा की बात याद आती है कि कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि चूक हो गई तो इसका फायदा जो लोग उठाना चाहते हैं वो उठाएंगे और ये तो सामने सामने चूक होती हुई दिख रही है। कौन ऐसे राजे को एक्सेप्ट करेगा जो इस तरह से शराबी हो गए, कोई अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा हो, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा। ये जो बातें अहिल्या के दिमाग में दोस्तों आई, जो उसने सोचा, इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है कि अहिल्या जैसी देवी बहुत कम होती है इस समय। जो अगर किसी के साथ ऐसा होता है, किसी लड़की के साथ, वो सीधी जाके कंप्लेन करती है कि ये क्या है, मगर अहिल्या ने उस चीज को समझा, उसने अपने पति को एक तरह से बचाया, अब वो इसी तरह से करेगी, अपने पति की बात दूसरों के सामने नहीं करेगी, जहां तक कोशिश हो सके वो इस बात को छुपाएगी और अपने तरीके से इस बात को ठीक करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बात अगर मल्हार राव होलकर को पता चले तो उनका दिल टूटे, गौतमा को पता चले तो उसकी सासू बाई का दिल टूटे, क्योंकि वो चाहती है सबको खुश रखना दोस्तों। मगर ये इतना बड़ा जो उसकी जिंदगी में आया है गम, इसको वो कैसे सहेगी, ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। मेरी पूरी हमदर्दी है अहिल्या के साथ। उस समय जब भी ये हुआ होगा, तब भी, आज भी ऐसी कई लड़कियां हैं जो इस पीड़ा से गुजरती हैं, तो मैं दिल से उनके लिए प्रे करूंगी कि उनकी लाइफ में जल्दी से हैप्पीनेस आए और अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज हो रही है तो वो ठीक हो जाए, क्योंकि सबको खुश रहने का अधिकार है दोस्तों। सबको ये अधिकार है कि वो अपनी इस जीवन को पूरी तरह से जिए और खुशी से जिए। तो ये जो चीज मैंने आपसे शेयर की है, किस तरह ना सिर्फ अब अहिल्या के सपने टूटे हैं बल्कि मल्हार राव होलकर के और गौतमा के भी टूटे हैं, मगर ये तब तक ये सपने सेव हैं अहिल्या के पास जब तक उन तक ये बात नहीं पहुंचती है कि खंडेराव जो है शराबी हो गए हैं। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।